प्रातः क्लास चल रहा था 18 दिसंबर 1968 बुधवार को। तीसरे पेज की मध्याद्धि में बात चल रही थी कि देवताओं को जिन्हें श्री श्री कहा जाए वो श्री ही बनाते हैं श्रेष्ठ। ये तो बच्चों ने समझा, वो है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। किससे कंट्रास्ट किया? श्रेष्ठ है देवताएं, उन देवताओं से भी श्रेष्ठ है भगवान। क्योंकि जो श्रेष्ठ देवताएं हैं उनको वो श्रेष्ठ देवता बनाने वाला है भगवान। तो फिर उनको कहेंगे ना श्री श्री डबल श्री। उनको सिर्फ श्री नहीं कहेंगे कि भाई सिंगल श्री है, नहीं। अब श्री तो देखो, ये लोग भी ऐसे श्री श्री 108। अभी जैसे बाप कहते हैं मैं बैठ करके तुमको ये माल्या बनाता हूं, ऐसा माला रूपी संगठन बनाता हूं। तो उन्होंने अपने ऊपर नाम रख दिया है श्री श्री 108, 108 श्रेष्ठ आत्माओं की माला रूपी संगठन बनाने वाले हम हैं। तो ये सब बातें समझाएंगे ना, और तुम ये सब समझा सकते हो, उसमें भी जब ये कॉन्फ्रेंस होगी तो कॉन्फ्रेंस के लिए तुमको समझाना है, और तुम तो निमित्त ही बने हुए हो समझाने के लिए। इसको समझावे उसको समझावे म्यूजियम में समझावे, सब कुछ समझाएंगे ना। तो उनको तो ये समझाएंगे ना बरोबर, ये जो श्री श्री ये जो मनुष्य टाइटल रखते हैं अपने ऊपर नाम रख देते हैं। सो भी देखो कौन रख देते हैं, तमो प्रधान, क्योंकि ये तो दुनिया ही तामसी तमो प्रधान है। तो इसमें सारे मनुष्य तमो प्रधान, इसको कहा जाता है पापी कलयुग। भले इसमें मनुष्य तो है ना, भले इनको बाबा कहो पंडित कहो महंत कहो कुछ भी कहो, पर हैं तो मनुष्य ना, चंचल बुद्धि मन वाले। भले इनको बाबा कहो, अभी मनुष्य अपन को श्री श्री तो देखो श्री श्री है बाबा और श्रेष्ठ देवताएं बनाती हैं, नहीं तो मनुष्य को तो श्री श्री नहीं कहेंगे। अरे डबल श्री की बात छोड़ो, वो श्री सिंगल श्री भी नहीं कहेंगे, तो श्री श्री भी नहीं कहेंगे।
श्री कहते हो देवताओं को, श्री रामचंद्र, श्री नारायण, श्री लक्ष्मी, ये अभी जो भी श्री श्री नाम दे दिया है बंदरों का, तो ये तो समझ में तो आता है ना, ये टाइटल बंदरों को दे दिया है। और बाप तो बेहद का तुम बच्चों को श्री बनाते हैं, ये मनुष्य तो किसी को श्रेष्ठ नहीं बना सकते ना, तो उनको तो जा करके पढ़ाई पढ़ करके वो टाइटल ले आते हैं बनारस से। तुमको वास्तव में श्री श्री जो बाप है वो ही श्री बनाए रहे हैं, अर्थात श्रेष्ठ बनाए रहे हैं, क्योंकि ये बातें तो प्रैक्टिकल में है ना, वो तो सिर्फ टाइटल धराए देते हैं, बनाते तो नहीं है, श्रेष्ठ है। देखते हो सारी दुनिया नीचे गिरती जा रही है, तो वो तो उनकी सिर्फ मात्र थ्योरिटिकल है, सभी बातें थ्योरी, कोई भी श्री तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी दुनिया ही भ्रष्टाचारियों की है, ये पतित दुनिया है ना, और वो खुद भी तो पतित पावन, पतित पावन आओ ऐसे कीर्तन करते रहते हैं ना, ताली बजाते रहते हैं, तो पतित हुए ना। अब पतित को बड़ी श्री कैसे कहेंगे? तो ये कहा जाता है ना, ये अंधेर नगरी है, और ये अंधेर नगरी है घोर अंधेरा है ना, कि सारी दुनिया में घोर अंधेरा है, तो उसको क्या कहेंगे, सारी अंधेर नगरी। अभी राजा बाजा तो कुछ होता ही नहीं है, अब बिगर ज्ञान कोई राजा भी कैसे बने, समझे ना, ज्ञान बिगर है मनुष्य बिल्कुल चटबट, बिल्कुल मतवाला, चरिया मैटचैप। अब देखो मैटचैप है ना, कहां बाप का टाइटल बेहद के बाप का, और कहां ये पाई पैसे के साधु जो अपन को इतना बाप जैसा यानी तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है ना। और प्रूफ तो यही है कि इनकी पैदाइश ही भ्रष्टाचार से होती है, तो सच्चे सच्चे जो सच्चा बाप है उसने समझाया ना कि श्रेष्ठाचारी तो श्रेष्ठाचारी दुनिया में ही देवताएं होती है ना, तो वो तो महान आत्माएं हैं, और यहां इस पापी कलयुग की दुनिया में महान आत्माएं कहां से आई, जबकि सभी तमो प्रधान दुनिया है। क्योंकि जब नई दुनिया में सतो प्रधान है तो वहां कोई तमो प्रधान नहीं रह सकता, कभी भी होता ही नहीं तमो प्रधान कोई,
जब सतो है तो सतो ही रहेंगे, और जब रजो दुनिया है तो रजो प्रधान ही रहेंगे, रजो रहेंगे। रजो प्रधान दुनिया में कोई तमो नहीं कहेंगे, न रहेंगे। ऐसे तो होता नहीं है ना। ये जो वर्ण भी गाए जाते हैं बहुत अच्छी तरह से, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सो देखो तुम अभी अपने ऊपर जाओ तो देखेंगे कि हम कुछ भी नहीं समझते थे, बिल्कुल नहीं समझते थे। और ये बाप ही आकर के कहते हैं, जो बेहद का बड़ा बाबा है, इससे बड़ा बाबा तो और कोई होता भी नहीं दुनिया में, बेहद का बाबा। देखो बेहद का है तब तो सबको बैठ करके सर्व का सदगति जाता है ना। तो देखो तुम कितने बच्चे समझदार थे, कितना तुमको हमने समझदार बनाया है, और कितना तुमको नई दुनिया में धनवान बनाया है। वो जो कहा जाता है ना, शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। अभी शिव बाबा का भंडारा कौन सा है तुम बताओ। तो किसी ने कहा ये ज्ञान रतन। हाँ, ये ज्ञान रतन का भंडारा कहा जाता है। ये जो बाबा कभी कभी कहते हैं ना, अरे भाई शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। हाँ, शिव बाबा के पास जो ज्ञान रतन है, ये जो बैठ करके सिखलाते हैं बच्ची, बस वो सागर की तरह भरपूर है ना, तो सागर ही है, ज्ञान का सागर एकदम। 18/12/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। अब सागर से बड़ा तो जास्ती कोई है ही नहीं ना दुनिया में, और ये तो ज्ञान का सागर है, ज्ञान रत्नों का सागर है। तो शिव बाबा को कहेंगे ना, ज्ञान रत्नों का भंडारा जिसका भरपूर, जब वो भंडारे से हमको देते हैं रतन, और काल कंटक सब दूर हो जाते, वहां नई दुनिया में काल तो किसी को खा ही नहीं सकते हैं। इसलिए गाया जाता है काल कंटक दूर, और कांटों का भी सवाल नहीं, दुखदाई कांटे वहां कोई होते ही नहीं। तो ये तो बच्चे अभी समझ गए हैं अच्छी तरह से, बुद्धि जानी चाहिए बच्चों की बेहद में एकदम। वो ये सभी आत्माएं, बस ये कितनी आत्माएं होंगी अभी भाई कहेंगे 500 करोड़ आत्मा, और वो सभी मनुष्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान है भिन्न भिन्न रूप से। तो ये नाटक हो गया ना, और ये बहुत बड़ा बड़ा बेहद का नाटक हो गया। तो सब वो अकाल मूरत जो है आत्मा, हाँ वो शरीर पर विराजमान है,
कहो तख्त पर विराजमान है। तो ये भृगुति रूपी तख्त है ना, तो बस एक तख्त पर विराजमान हो, फिर दूसरे जन्म में दूसरे तख्त पर विराजमान होती है। बड़ी वो जो तख्त है, और मनुष्य का ये शरीर रूपी तख्त है, और एक मनुष्य का शरीर न मिले दूसरे से, सबके फीचर्स अलग अलग। तो ये जैसे कि जन्म जन्मांतर का पार्ट उनमें भरा हुआ है। अब देखो ये बंदर है, जब ये बैठ करके अपन से बातें करते हैं ना, तो बस बंदर ही बंदर। कुदरत ये कैसा पार्ट है, अविनाशी पार्ट है, इम्पेरिशिबल। और कितना बड़ा पार्ट है इस आत्मा को बजाने का, ये रिकॉर्ड है, जो छोटी सी रिकॉर्ड है, इसमें ही इस आत्मा में ही तो रिकॉर्ड भरा जाता है ना, जन्म जन्मांतर का रिकॉर्ड। और इसमें तो देखो कितना रिकॉर्ड, 84 जन्मों का भरा रहता है। तो देखो बस सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, बस इससे सूक्ष्म और कोई चीज हो ही क्या सकती है बाहर। बंदर ये छोटी सी आत्मा, और ये कितना पार्ट भरा हुआ है, और सभी को एक्यूरेट पार्ट है, और वो छोटा भी है भाई। जो पिछाड़ी में आते हैं उन आत्मा में बस होता नहीं, छोटा पार्ट है, बारा तो हुआ तो है ही, बस वो छोटा। जैसे कहेंगे बहुत बड़ा रिकॉर्ड और उसमें एक छोटा सा रिकॉर्ड, क्योंकि जन्म ही है उनका बस एक। जब वो सूक्ष्म वतन में, वहां तो कोई रिकॉर्ड की बात ही नहीं है, पार्ट तो वहां नहीं बजाते हैं ना। तो ये जब बैठ करके समझने में आता है, बस समझ समझ करके ये बंदर कहना बंद कर देते हैं, क्योंकि समझ आ जाता है पूरा। तो इससे जास्ती अभी क्या समझेंगे, जैसे समझाने से तो तुम सब कुछ जान जाते हो ना, यही नॉलेज है। और ये बाप के पास नॉलेज है ना, ऐसे तो नहीं है, तो उसको कहा जाता है भाई ये सभी के अंदर की जानने वाली है आत्मा, सुप्रीम सोल। नहीं, यही जो समझाते हैं ये जानते हैं कि बाकी तुम क्या करते हो, क्या सारा दिन वो थोड़े ही बैठ करके भगवान जानेगा। ये जो नॉलेज इसको कहा जाता है, जो बाबा में और तुम्हारे में मर्ज हो रही है, अभी अभी मर्ज हो रही है, समझा। हाँ अभी मर्ज हो रही है, जिससे तुम इतना ऊंच पद पाते हो। तो ये समझ रहती है ना बच्ची। अभी देखो अभी सारा इतना समझाए समझाए करके, फिर जैसे बाबा है बीज रूप,
उस सारे वर्ल्ड का बीज रूप, ये सारा ये दुनिया रूपी धाड़ है ना, सारे इस शुरू से लेकर के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतना बड़ा वो मनुष्यों की बुद्धि में तो कभी कुछ बैठ ही नहीं सके। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि सृष्टि की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है, तो उसमें तो कुछ आ ही नहीं सकता है कुछ किसी की बुद्धि में। जब ये संगम युग हुआ है तभी तुमको ये ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि संगम युग पर ये जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो, और शुरू से लेकर के अंत तक सब कुछ जान जाते हो। इसके आगे तुम कलयुग में थे ना, हाँ, कुछ भी नहीं जानते थे, बिल्कुल घोर कलयुग। अभी तुम जब संगम युग पर हो और बाप ने आकर के समझाया तुम संगम युग पर हो, तो तुमको वो शुरू से लेकर के अंत तक, अभी अंत तक भी तुम्हारा जन्म है ना, ये शूद्र का भी जन्म, ये अंत का, उसको शूद्र ही कहे हैं अंत का जन्म, क्योंकि तुम ब्राह्मण जब ही पूरा बन जाएंगे, संपूर्ण ब्राह्मण बन जाएंगे, तो फिर कहेंगे हाँ ये पूरा ब्राह्मण है, अभी तो आधा उगदी है ना, हाफ कास्ट ब्राह्मण, अभी तो ऐसे भी है कि ब्राह्मण बन फिर शूद्र बन जाते हैं, जट बन जाते हैं। और अच्छे अच्छे भी ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि हार खाते हैं। ओम शांति।